नमस्ते सभी सुपर मॉम और सुपर डैड को, और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे आप लोगों के सामने अपनी जर्नी बताने का मौका मिला। और ये जर्नी मुझे बताने का मौका दिशा मैम की वजह से मिला, जिनका मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। मैं आज बहुत प्राउडफुल करती हूँ कि मैं अपने बेटे सम्राट के नाम से जानी जाती हूँ। हर कोई मुझे ऐसे ही पूछता है, सम्राट की मम्मा कौन है, सम्राट की मम्मा कौन है। मैं अपनी जर्नी आपसे शेयर करती हूँ। मेरा सम्राट जब 1.5 साल का था तब वो बोलता नहीं था, ना ही उसका आई कॉन्टेक्ट था, और 10-15 आवाज, मतलब 10 से भी आवाज मारो तो सुनता नहीं था। तो मेरे सारे फैमिली लोग ये भी बोलते थे, ये तो कॉमन चीज है, बच्चे 3-4 साल बाद ही बोलते हैं। बट मैंने भी उसे लाइटली लिया। और फिर एक दिन सम्राट को फीवर आने की वजह से अपनी फैमिली डॉक्टर के पास गई, तो वो डॉक्टर ने मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे, बेसिक क्वेश्चंस पूछे। तो उन्होंने मुझे बोला कि बच्चा बोलता क्यों नहीं है, तो मैं बोली ये तो नहीं बोलता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, बच्चा 8 महीने में बोलता है। तो ये सब चीज़ें मुझे पता चली उनके द्वारा। तो उन्होंने मुझे चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर का बोला कि तुम वहाँ पे जाओ। वहाँ पे मैं गई तो वहाँ पे भी मुझे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए। तो बट मुझे मुझे और मेरे हस्बैंड को प्रॉपर पूरे आंसर नहीं मिले। और जो ऑटिस्टिक वर्ड होता है वो हमें बताया ही नहीं गया था, तो उसके बारे में मैंने कभी सर्च मारा नहीं कि ये चीज़ कितनी बड़ी होती है। मैंने उसे इसका टी वगैरह चालू किया, बट मैं उसको लाइटली लेती थी। मुझे ऐसा लगता था 8-9 महीने का कोर्स होता है, करवाओ बच्चा ठीक हो जाता है। बट मैं फिर मेरी मम्मा की इधर बॉम्बे आई और मैं नागपुर से आई हूँ। मैं मम्मा के यहाँ पे आई 1.5 महीने के लिए। तो मैं यहाँ पे सर्च मारा कि यहाँ पे कोई सेंटर है क्या ऐसा, बट उस टाइम पे कोविड चल रहा था, तो कोविड की वजह से सभी बंद बताए गए। और फिर बाद में काफ़ी सर्च मारने के बाद मुझे दिशा मैम का पता चला। मैं दिशा मैम के पास में गई तो दिशा मैम से मुझे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स मिले। मैंने उनको बोला मुझे सिर्फ 15 से 20 दिन है यहाँ पे, मतलब मैं